Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकिंग रसोई। आज हम कढ़ी बनाएंगे। उसमें हमने एक कटोरी बेसन ले रखा है, नॉर्मल बेसन है। उसको पकौड़ी के लिए पहले हम तैयारी करेंगे। इसको हम अपने कंटेनर में डालेंगे, उसको एक घोल बनाएंगे। उसका घोल बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे इसमें, जैसे उसमें गांठें नहीं पड़ेंगी। और घोल तैयार करेंगे हम सिर्फ पकौड़ियों के लिए। पकौड़ियां जब हमारी लोग कहते हैं बहुत टाइट हो गई हैं, वो इसलिए हो जाती है, हम उसको फेंटते नहीं है। हम उसको जितना फेंटेंगे उतनी ही अच्छी हमारी पकौड़ियां बनेंगी। इस तरीके से पकौड़ी के लिए हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है बेसन, फेंटते हुए करीब एक मिनट तक फेंटा है। देखिए अब कैसा फ्लफी फ्लफी सा हो गया है। अभी हम इसके हम पकौड़ियां बनाएंगे। उसके लिए ये हमने कढ़ाई रेडी कर ली है, इसमें सरसों का तेल डाला हुआ है, उसमें हम पकौड़ियां बनाएंगे। ऑलरेडी तेल गर्म है तो हमने इसको बिल्कुल स्लो हीट पे कर दिया है और हाथ से छोटी छोटी पकौड़ियां तोड़ना शुरू कर दी है। जितनी पकौड़ी आप चाहें उतनी पकौड़ी इसमें तोड़े, उसे पकने देंगे। ये देखिए हमने पकौड़ियां तोड़ ली है, इसमें करीब 10 से 15 पकौड़ियां हैं। अब इनको पकने देंगे और फिर इनको टर्न करेंगे जैसे ये पक जाएंगी। इनके ऊपर हम तेल डाल के इनको रेडी कर रहे हैं। तो ये हमने टर्न कर दी हैं। देखिए कितनी बढ़िया ब्राउन कलर की हो रही हैं। इन्हें ज्यादा से ज्यादा अभी आधा आधा मिनट और लगेगा पकने के लिए। देखिए पकौड़ियां भी हो रही हैं। जब इनका कलर ब्राउन हो जाए तो अब इनको हम निकाल लेंगे। अभी लाइट ब्राउन है और डार्क ब्राउन सी चाहिए हमें, इसमें एक मिनट और लगेगा अभी। ये देखिए ब्राउन कलर हो गया है, अब इनको हम निकालेंगे और गैस स्लो कर लेंगे। इनको हम निकाल के एक प्लेट में अलग रख लेंगे। फ्रेंड्स, पकौड़ी अब हमारी तैयार हैं। अब हम कढ़ी बनाएंगे। उसके लिए एक कलछी हमने, दो कलछी हमने सरसों का तेल ले लिया है जो ऑलरेडी बहुत गर्म है। अब उसमें हम तड़के की तैयारी करेंगे। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाने दीजिए। फ्रेंड्स, पकौड़ी तैयार है अब हमारी। अब हम उस कढ़ी के लिए तैयारी करेंगे। उसके लिए अब हमने आधा कप बेसन ले रखा है, उसी से कटोरी में डाल लिया है। अब उसमें एक आधा लीटर हमने मठा डालेंगे अमूल का। अगर मठा ना हो तो खट्टा दही चलेगा। मठे में वैसे बहुत बढ़िया बनती है, इसको बना के देखिएगा। ये अमूल का मैंने ले रखा है एक पाउच पूरा आधा किलो का। उसको मिक्स करके अच्छा सा इसका पेस्ट बनाएंगे, जैसे इसमें कोई भी गांठे नहीं रह जाए। और इसमें बचा हुआ पूरा मठा मिला देंगे। इसको अच्छे से फेटेंगे जैसे इसमें कोई भी लम्स नहीं रह जाए। देखिए बनके बिल्कुल रेडी है करी के लिक्विड हमारा। अब इसमें हम सामान डालेंगे और बाकी मसाला। हल्दी आधा चम्मच, रेड चिली जैसे आपको स्वाद अच्छा लगे, ये हमने आधी चम्मच डाल दी है। अपने स्वाद के अनुसार उसमें डालिएगा। ये हमने दूसरी कढ़ाई में सरसों का तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मसाला डालेंगे या जिसको तड़का कहते हैं। उसके लिए हमने हल्दी डाल रखी है, दो पिंच हमने हल्दी डाल दी है, साथ में राई डाले, मेथी दाना डाला हुआ है आधी चम्मच, राई आधी चम्मच है। और इसमें जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था उससे पहले इसमें हम पानी डालेंगे। पानी साइड से डालिए तो बहुत अच्छी है ये पानी। कढ़ी का हमारा पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा था तो हमने पानी साइड से डाल दिया है। इसमें करी पत्ता डालिएगा,
और हमने पेस्ट बना रखा है, उसको धीरे धीरे करके इसमें मिक्स करेंगे। और गैस तेज कर दीजिएगा और इसको आप हिलाते रहिएगा जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए। धीरे धीरे इसको हिलाते रहिए। अभी भी हमारी कढ़ी काफी गाढ़ी है, उसमें हम पानी और मिला रहे हैं। इसमें जैसे थोड़ी सी लिक्विड और हो, अगर उसको चलाते रहेंगे बॉईल आने में कम से कम इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे इसमें बॉईल आने के, तब तक हम वेट करेंगे। फ्रेंड्स इसको चलाते हुए अभी हमें 1 मिनट हो चुका है, इसमें 1 या 2 मिनट और लगेगा इसमें बॉईल आने में। जब बॉईल आएगा उसके बाद में हम इसमें सॉल्ट मिलाएंगे, तो जरा बॉईल आने दीजिए। उसको धीरे धीरे चलाते रहिए, इसको चलाना मत बंद करिएगा। फ्रेंड्स जब इसमें बॉईल आने लग गया है ऐसे सॉल्ट डालेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार, कम ज्यादा जैसा आपको पसंद हो। ये 1 चम्मच डाल दिया, करीब 1.5 चम्मच नमक की जरूरत होगी, वो मैंने इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में इसमें एक इंग्रेडिएंट और रह गया, हरी मिर्च। जैसे हमने तड़का लगाया था, अगर आपको हरी मिर्च फ्राई करके खाना पसंद हो तो उस तड़के में ही उसी वक्त डाल दीजिए। मुझे कच्ची वाली पसंद बहुत आती है, तो लास्ट में जब बॉईल आने लग जाता है तो मैं इसमें कटी हुई और एक पूरी साबुत ऐसे करके डाल के मिला देता हूँ। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसमें 2 मिनट के लिए बॉईल और आने दीजिए और कढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसमें बॉईल आने दीजिए। फ्रेंड्स देखिए अब इसमें पूरा बॉईल आने लग गया है, गैस सिम कर दीजिए और कम से कम अब इसे 10 से 15 मिनट और बॉईल आने दीजिए और खदकने दीजिए स्लो गैस पे, तभी इसमें टेस्ट आता है। और अब इसमें हम पकौड़े जरूर मिला देंगे अपने, जैसे वो भी बॉईल होते हुए उसके साथ में मिक्स हो जाएंगे। आप 10 मिनट बाद में फिर बात करते हैं जब इसमें अच्छे से इसमें बॉईल आ जाएगा। ये देखिए 10 मिनट बाद कितना बढ़िया तड़क कढ़ी हमारी बॉईल हो चुकी है और पकौड़ियां पूरी तरह से फूल चुकी हैं कढ़ी में, और ये सर्व के लिए बिल्कुल रेडी है। ये हमारी तड़के वाली कढ़ी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।